कस्टम विभाग दे वल्लों वड्डी कारवाई करदिया होया भारत च आईफोन 16 दी तस्करी दी कोशिश नू नाकाम कीता, जिथे दिल्ली एयरपोर्ट तो 4,48,00,000 रुपए दे आईफोन जब्त किए गए ने जो विदेशों तो भारत लियांदे जा रहे सन। दस दिए कि कस्टम विभाग के अधिकारियों की एयरपोर्ट से यह वड्डी कार्रवाई नजर आई है, जिथे एक ही दिन दे विच 38 आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए गए ने। दसिया जा रहा है कि दुबई तो आ रहे 4 लोगों तो 12 आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए गए ने। होंगकोंग तो दिल्ली आ रही एक महिला तो 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए गए ने। मेकअप बैग के विच टिशू पेपर दे विच लपेट के रखे हुए सन आईफोन जो जब्त किए गए ने। दिल्ली हवाई अड्डे ते कस्टम विभाग की वड्डी कार्रवाई सामने आई है, जिथे 1 अक्टूबर 2024 नू दुबई तो इंडिगो फ्लाइट जो के जिस विच सवार हो के 4 यात्री भारत आ रहे सन, ते इत्थे 12 आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए गए। ये लोग इन्हां आईफोना नू चोरी चोरी इत्थे भारत लिया रहे सन, तस्करी करनी सी, पर उस तो पहला ही कस्टम विभाग के वल्लों उन्हां नू काबू किया गया है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के उत्ते सांझी की है। कस्टम विभाग ने डिटेल दी है सोशल मीडिया के उत्ते, एक वीडियो शेयर करके जिस विच दस्या गया है कि विदेश तो भारत दे विच आईफोन 16 की तस्करी की कोशिश की जा रही थी, जो कस्टम विभाग ने नाकाम कर दी है। ना आईफोन की कीमत 4,48,00,000 रुपए है जो जब्त किए गए ने। एक ही दिन दे विच 38 आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए गए ने कस्टम विभाग के वलों। हालांकि वक्रे वक्रे यात्रियों तो जब्त हुए ने। दसिया जा रहा है कि दुबई तो 4 लोग इतने आ रहे सन, जिन्हों के कोल 12 आईफोन 16 प्रो मैक्स सन। उधरों होंगकोंग तो दिल्ली आ रही एक महिला तो 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए गए ने। ये औरत मेकअप बैग के विच टिशू पेपर के विच लपेट के आईफोन लेके आ रही थी, ते कस्टम विभाग ने जो शक होया कि बैग ज्यादा भारी है, ते जो उन्होंने वालों चैकिंग की गई तो उन्होंने होश उड़ गए कि इस महिला ने अपने मेकअप बैग के विच 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स रखे हुए ने, जो चोरी छिपे भारत लियांदे जा रहे सन। इन्हां दी तस्करी होनी सी, पर उस तो पहला ही कस्टम विभाग के वलों ये सारे आईफोन जब्त कर ले गए ने। कस्टम विभाग के वलों वड्डी कार्रवाई करदिया होया भारत च आईफोन 16 की तस्करी की कोशिश नू नाकाम किया है, जिथे दिल्ली एयरपोर्ट तो 4,48,00,000 रुपए के आईफोन जब्त किए गए ने जो विदेशों तो भारत लियांदे जा रहे सन। दस दिए कि कस्टम विभाग के अधिकारियों की एयरपोर्ट से यह वड्डी कार्रवाई नजर आई है, जिथे एक ही दिन 38 आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए गए ने। दसिया जा रहा है कि दुबई तो आ रहे 4 लोगों तो 12 आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए गए ने। होंगकोंग तो दिल्ली आ रही एक महिला तो 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए गए ने। मेकअप बैग के विच टिशू पेपर के विच लपेट के रखे हुए सन आईफोन जो जब्त किए गए ने। दिल्ली हवाई अड्डे ते कस्टम विभाग की वड्डी कार्रवाई सामने आई है, जिथे 1 अक्टूबर 2024 नू दुबई तो इंडिगो फ्लाइट जो के जिस विच सवार हो के 4 यात्री भारत आ रहे सन, ते इत्थे 12 आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए गए। ये लोग इन्हां आईफोना नू चोरी चोरी इत्थे भारत लिया रहे सन, तस्करी करनी सी, पर उस तो पहला ही कस्टम विभाग के वलों उन्हां नू काबू किया गया है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के उत्ते सांझी की है। कस्टम विभाग ने डिटेल दी है सोशल मीडिया के उत्ते, एक वीडियो शेयर करके जिस विच दस्या गया है कि विदेश तो भारत दे विच आईफोन 16 की तस्करी की कोशिश की जा रही थी, जो कस्टम विभाग ने नाकाम कर दी है। ना आईफोन की कीमत 4,48,00,000 रुपए है जो जब्त किए गए ने। एक ही दिन दे विच 38 आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए गए ने कस्टम विभाग के वलों। हालांकि वक्रे वक्रे यात्रियों तो जब्त हुए ने। दसिया जा रहा है कि दुबई तो 4 लोग इतने आ रहे सन, जिन्हों के कोल 12 आईफोन 16 प्रो मैक्स सन। उधरों होंगकोंग तो दिल्ली आ रही एक महिला तो 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए गए ने। ये औरत मेकअप बैग के विच टिशू पेपर के विच लपेट के आईफोन लेके आ रही थी, ते कस्टम विभाग ने जो शक होया कि बैग ज्यादा भारी है, ते जो उन्होंने वालों चैकिंग की गई तो उन्होंने होश उड़ गए कि इस महिला ने अपने मेकअप बैग के विच 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स रखे हुए ने, जो चोरी छिपे भारत लियांदे जा रहे सन, ते इन्हां दी तस्करी होनी सी, पर उस तो पहला ही कस्टम विभाग के वलों ये सारे आईफोन जब्त कर ले गए ने।